हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है डेडली इल्यूजन, जिसे डायरेक्ट किया था एना एलिजाबेथ जेम्स ने। इस कहानी में एक राइटर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक नैनी को हायर करती है, लेकिन वो नैनी उस कपल के रिश्ते में दरार बन जाती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम अपनी मेन कैरेक्टर मैरी को देखते हैं। मैरी एक बहुत ही फेमस राइटर थी, लेकिन काफ़ी सालों से उसने कुछ भी नहीं लिखा था। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड, एक बेटा और एक बेटी है। उसे लगता है जब वो लिखती है तब वो एक अलग पर्सन बन जाती है, जो वो नहीं बनना चाहती, इसलिए वो राइटिंग से डर रही थी। लेकिन एक दिन उसके पब्लिकेशन हाउस से कुछ लोग मिलने के लिए आए। कोई अलग बहाना बनाकर उन्होंने ये मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन मीटिंग में वो लोग कहते हैं तुम्हें हमारे लिए एक और बुक लिखनी है। वो लोग उसे ऑफ़र देते हैं, लेकिन मैरी उस ऑफ़र को देखती भी नहीं और उन पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग जाते जाते मैरी से कहकर जाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुम्हें हमारी वजह से मिली हैं, तुम शायद अपने स्ट्रगल्स भूल रही हो। मैरी इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं रात में उसका हस्बैंड टॉम घर पर आता है और वो उस ऑफ़र को देखता है। ये $2 मिलियन की ऑफ़र थी, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। वो मैरी से कहता है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो डायरेक्टली मैरी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वो रात में मैरी को बताता है कि हमने जो पैसे सेव करके रखे थे उसमें से हाफ अमाउंट मैंने वेस्ट कर दिए हैं। मैरी इस बात से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये पैसे उनकी रिटायरमेंट के लिए थे और उसे अब बुक लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड इलीन के साथ एक स्पा में गई हुई थी। वो उसे सारी प्रॉब्लम बता रही थी। मैरी अपने बच्चों की कुछ ज़्यादा ही केयर करती थी। अगर वो बुक लिखेगी तो वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। इलीन उससे कहती है तुम बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक लड़की हायर कर सकती हो। मैरी को ये बात सही नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो इसे ट्राई करती है, जिसके लिए अलग अलग लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। फिर लास्ट में ग्रेस नाम की लड़की आती है। जब वो कॉफ़ी बनाने के लिए गई थी तब ग्रेस कुछ पढ़ रही थी। मैरी को उसकी ये बात अच्छी लगती है। इसके बाद वो बुक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और थोड़ी देर बाद बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। ग्रेस उनसे काफ़ी अच्छे से बात करती है। ग्रेस ने घर में मैरी की बुक देखी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। वो एक राइटर के घर में है। ग्रेस का सारा बिहेवियर देखकर मैरी उसे हायर कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन बच्चे स्विमिंग करने की ज़िद कर रहे थे। ग्रेस अपना स्विम सूट लेकर नहीं आई थी, जिसके लिए मैरी उसे अपनी यंग एज का स्विम सूट दे देती है। मैरी की फ्रेंड इलीन भी वहाँ पर आई हुई थी। वो मैरी से कहती है तुम ज़रा इससे सावधान रहना, तुम्हारे हस्बैंड और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मैरी ग्रेस को काफ़ी सीधा साधा समझती है। वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। रात में ग्रेस बच्चों को संभाल रही थी, तभी टॉम और मैरी इंटीमेट हो जाते हैं। बच्चों को संभालते संभालते इन दोनों को इतना टाइम मिलता नहीं था, जिसके लिए वो ग्रेस से काफ़ी खुश थे। अगले दिन मैरी ने अपनी बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन मैरी के पैर में चोट आ गई, जिसके लिए ग्रेस उसकी हेल्प कर रही थी, तो उसकी इनरवेयर को उसने नोटिस किया। मैरी कहती है चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग पर चलते हैं। फिर हम देखते हैं मैरी ग्रेस के साथ चेंजिंग रूम में होती है और ग्रेस की बॉडी देखकर मैरी को लगता है उसकी बॉडी भी यंग एज में उसकी तरह थी और वो अपनी यंग बॉडी को मिस करती है। ग्रेस ने उसके हाथ लिए और अपने ब्रेस पर रखे और उससे कहती है तुम फील कर पाओ, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद मैरी को अपनी बॉडी को लेकर जो इनसिक्योरिटी थी, इसके बारे में उसने टॉम को बताया। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए। टॉम कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम पहले जितनी ब्यूटीफुल थी आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें मुझे तुम में बहुत अच्छी लगती हैं। अगले दिन हम देखते हैं मैरी अपने बुक के करेक्टर को लेकर काफ़ी परेशान थी। वो कैसे होने चाहिए उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। वो यही बात सोच रही थी, फिर उसने घर में ग्रेस को नोटिस किया। वो उसी पर अपना करेक्टर बेस्ड करती है। एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए। उसके बूब्स के लिए वो आइडिया दे रहे थे। मैरी तब भी ग्रेस के बारे में सोच रही थी। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड लीन के साथ बात करती है। वो कहती है पहले मैं ग्रेस को काफ़ी ज़्यादा अलग समझती थी, लेकिन अब मुझसे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लगी है, पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था। इलीन कहती है ये जो तुम्हें महसूस हो रहा है इसे तुम अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकती हो। मैरी और टॉम ग्रेस से काफ़ी खुश थे, इसलिए वो उसे फुल टाइम के लिए रख लेते हैं। फिर एक दिन ये लोग पार्टी के लिए जाते हैं। इलीन का हस्बैंड मैरी से कहता है तुम्हारी फोर्थ बुक काफ़ी अच्छी थी, तुम्हें उस तरीके से फिर से राइट करना चाहिए। मैरी कहती है जब मैंने उस बुक को लिखा था तो मेरी लाइफ में मैं बहुत ही डार्क प्लेस पर थी, मैं फिर से उस प्लेस पर नहीं जाना चाहती। इलीन का हस्बैंड कहता है शायद वही डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाता है।
अगले दिन मैरी अपने स्विमिंग पूल के पास हैंगआउट कर रही थी। वो ग्रेस को मसाज करने के लिए कहती है, उसे अच्छा लगता है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है। वो ग्रेस को भी अपने पास आने के लिए कहती है। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। बाहर आने के बाद दोनों ड्रंक हो जाते हैं। ग्रेस मैरी से कहती है, कभी भी मैंने लाइफ में ऐसी फैमिली की तरह फील नहीं किया है, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैरी भी उसे सहारा देती है। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मैं कुछ लिख पाई। इसके बाद मैरी जब उठती है तो ग्रेस उसके साथ सोई हुई थी। उसे लगता है दोनों इंटीमेट हो गए। मैरी पहले जब राइड करती थी तब वो ये अलग नहीं कर पाती थी कि क्या रियल है और क्या नहीं, तो उसे पता नहीं चलता कि वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हुई थी या नहीं। अगले दिन सब बच्चों का प्ले देखने के लिए गए। यहाँ पर मैरी ग्रेस से बात करती है, कल जो भी हुआ ये फिर से नहीं होना चाहिए, हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ग्रेस कहती है, कल कुछ भी नहीं हुआ। मैरी को लगता है ग्रेस उसकी बात समझ गई। मैरी अब भी ग्रेस को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन वो नहाते हुए इमेजिन करती है कि ग्रेस उसके पास आकर उसे प्लीज कर रही है। फिर हम देखते हैं मैरी का बुक का काम और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसे बच्चे डिस्टर्ब ना करें इसलिए टॉम ग्रेस और बच्चों को लेकर लंच के लिए बाहर आ गया, जहां एलिन उसे देख लेती है और उसे लगता है ग्रेस और टॉम के बीच अफेयर चल रहा है। टॉम को लंच करते वक्त ग्रेस बहुत ही अलग कर लगती है। वो हमेशा शर्मीली होती है लेकिन वो आज बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो जानबूझकर टॉम को रिझाने की कोशिश कर रही थी और ये वर्क भी कर रहा था। टॉम उसे कहता है, आज तुम बहुत ही अलग लग रही हो। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो ग्रेस के साथ एक लेक पर जाती है। यहाँ पर वो ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेस मैरी को किस करने लगती है। मैरी उसे रोक लेती है। वो कहती है, ये सब करना बहुत गलत है, मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखती हूँ, तुम बहुत परफेक्ट हो और हम ये नहीं कर सकते। फिर वो घर जाने के लिए अपनी साइकिल के पास आते हैं तो किसी ने टायर को पंचर कर दिया था। रात में वो लेट घर पर पहुँचते हैं, तब टॉम और एलिन बात कर रहे थे। मैरी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलिन कहती है, मुझे लगता है टॉम और ग्रेस के बीच में अफेयर चल रहा है, इसी के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आई हुई थी। मैरी ने इससे पहले एलिन को और टॉम को एक साथ देखा था। वो एलिन पर ही शक करने लगती है। एलिन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। डिनर की तैयारी करते वक्त ग्रेस और मैरी एक साथ थे, जिसके चलते ग्रेस मैरी को प्लीज करने लगती है। टॉम वहाँ आ जाता है लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता। मैरी को नींद आ रही थी इसलिए वो जल्दी सो जाती है। फिर बीच रात में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब वो देखने के लिए गई तब ग्रेस और टॉम इंटीमेट हो रहे थे। ग्रेस उसे नोटिस करती है लेकिन टॉम से कहती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली हुई हैं, जब वो उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन उठने पर मैरी को सब याद था। वो देखती है ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ग्रेस को बाहर निकाल देती है और रात में टॉम से फाइट करती है। वो कहती है, मैंने इस फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अपने करियर तक को छोड़ दिया, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिला, तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। टॉम कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। अगले दिन मैरी ने जिस एजेंसी से ग्रेस को अपॉइंट किया था वहाँ कॉल लगाया। वहाँ से उसे पता चलता है कि उनकी एजेंसी में ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती। मैरी और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती है। वो ग्रेस की जानकारी हासिल करने के लिए बाहर निकल जाती है। ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उसी बुक की इंक्वायरी मैरी ने लाइब्रेरी में की, जिससे उसे ग्रेस का रियल नेम पता चल गया। अब वो कन्फर्म हो चुकी थी कि ग्रेस में कुछ ना कुछ तो गलत है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो एलिन के पास गई लेकिन वहाँ पर एलिन का मर्डर हो चुका था। मैरी पुलिस को कॉल करती है लेकिन पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट ही मैरी बन जाती है, क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर हुआ था उस नाइफ पर मैरी के ही फिंगरप्रिंट्स थे। सीसीटीवी कैमरे में मैरी की ही तरह एक लड़की वहां पर गई हुई थी। मैरी कहती है, इस कैमरे में कोई भी हो सकता है। उसे बचाने के लिए टॉम लॉयर के साथ वहां पर पहुंच जाता है। मैरी को अब लग रहा था ये सारी चीज़ें ग्रेस ने ही की हैं, क्योंकि एलिन ने कल रात ही उस पर शक किया था। मैरी के पास ग्रेस का एड्रेस था। वो डायरेक्टली उसके घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर ग्रेस की मॉम उसे मिलती है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके फादर ने उसे बहुत ही अब्यूज़ किया था, जिसके लिए वो जेल भी गए थे। मैरी यहाँ पर नोटिस करती है कि वो लेडी अलग अलग आवाज़ में बात कर रही है, यानी कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ये देखकर मैरी जल्दी ही वहाँ से निकल जाती है। उसने घर पर कॉल किया कि ग्रेस को घर पर आने मत दो, वो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन ग्रेस ऑलरेडी घर पर थी। टॉम जब शावर में होता है तब मैरी की तरह कपड़े पहनकर वो उसके पास आती है। इसका मतलब कि एलिन का मर्डर उसने ही किया था। अब वो टॉम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन टॉम उसे कहता है, मैं आप कोई भी गेम नहीं खेलना चाहता, मेरा तुम्हारे साथ होना एक गलती थी,
तुमने मुझे सेड्यूस किया। ये सुनकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो टॉम पर चाकू से वार करती है। वो उसे मार ही देती, लेकिन जब तक मैरी वहाँ पर पहुँच जाती है, ग्रेस जल्दी से कपड़े बदल कर मैरी के सामने आती है। मैरी जब टॉम के बारे में पूछती है, तब वो कहती है टॉम शावर ले रहा है, तुम वहाँ पर मत जाओ। मैरी को शक हो जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है, तब टॉम का खून काफ़ी बह रहा था। ग्रेस फिर से अपने हाथ में चाकू ले लेती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो भी अलग अलग आवाज़ में बात करती है। ग्रेस के अंदर भी दो पर्सनैलिटी थी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक डेंजरस पर्सनैलिटी डेवलप की थी। उसकी एक पर्सनैलिटी उसे बोल रही थी कि इन दोनों को मार डालो, लेकिन एक्चुअल ग्रेस उसे रोक रही थी। ग्रेस फिर से अपने आप को एक स्वीट लड़की में कन्वर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। वो मैरी पर हमला कर देती है। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बोलती है, तुम मैरी से प्यार करने लगी हो, इसलिए मुझे मारना चाहती थी। डेंजरस पर्सनैलिटी पूरी तरह से ग्रेस पर हावी हो जाती है। वो मैरी को मारने ही वाली थी, लेकिन मैरी ने एक फ्लावर पॉट से ग्रेस के सर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 1 साल बीत चुका है। मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश है। मूवी के एंड सीन में वो ग्रेस से मिलने जाती है। मैरी ने ग्रेस को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। वो उसे ठीक होने में हेल्प कर रही है। ग्रेस की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी थी, ये बहुत सीधी सादी एक स्वीट लड़की की थी, और इसी को सेव करने के लिए मैरी उसकी हेल्प कर रही थी। ये दोनों अब बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ग्रेस बचपन से ही अब्यूज़ हुई थी, इसलिए जब वो मैरी की फैमिली से मिली, तब वो खुद की फैमिली की तरह इसे फील करना चाहती थी, इसलिए दूसरी पर्सनैलिटी उस पर हावी होने लगी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।